तो आज मैं लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी चटपटा नाश्ता, सर्दियों के स्पेशल खास्ता मसाला बाजरे की कचौड़ी, जिसे खाने के साथ आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। खास ट्रेवल टिफिन के लिए सबसे मस्त रेसिपी है। जब दिल करे कुछ स्पेशल चटपटा खाने का तो झटपट बनाए इस बाजरे की कचौड़ी को। हाय, मैं हूँ सीमा, स्वागत करती हूँ आपका अपने कुकिंग चैनल में। ये कचौड़ी इतनी टेस्टी लगती है, इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, शाम के समय में ट्रेवलिंग में भी ले जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे की आटा। आप चाहें तो उसे घर पर तैयार करें या मार्केट में इजली आपके पास के दुकान में कहीं भी मिल जाएगा। यहाँ 250 ग्राम के करीब हमने बाजरे का आटा लिया है। इसमें हमने ऐड किया है बाइंडिंग के लिए 200 ग्राम गेहूं के आटा, 2 बड़ा चम्मच इसमें हमने बेसन डाला है। यहाँ बारीक कटे हुए मेथी का पत्ता कम से कम 100 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे अच्छे से धो करके साफ़ किया हुआ लिया। ग्रेट किया हुआ गाजर एक कटोरी, यानी 3 गाजर के हमने बड़े बड़े 3 गाजर लिए हैं। यहाँ पे बारीक कटे हुए 2 बड़े प्याज को हमने बारीक कट करके रख लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ आप अजवाइन डालें, मंगरेला थोड़े से इसमें साफ किया उपाले से, 2 चम्मच शुद्ध घी इसमें डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 हरी मिर्च इसमें ऐड करें। सारी चीज़ों को अच्छे से इससे मिलाएं और इसे एक टाइट सा डो गूंथ के तैयार कर लें, जैसे आप आटा का डो लगाते हैं उससे तैयार कर लें। और इसे ढक के कुछ देर के लिए 15-10 मिनट के लिए इसे ढक के रेस्ट के लिए छोड़ दें कि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिए, कढ़ाई इस पर चढ़ा रखें। फ्राई करने के लिए रिफाइंड तेल हमने इसमें डाले हैं, आप घी में भी इसमें से फ्राई कर सकते हैं, बट इसे सरसों के तेल में बिल्कुल फ्राई नहीं करें। और सब्जी की जगह इसमें आपके पास जो अवेलेबल हो सब्जी उससे आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मटर के दाने भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाएंगे या बार बार बनाएंगे, इतने टेस्टी लगते हैं, इतने स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं। अगर आप गर्मा गर्म हर रोज़ बनाना चाहें तो स्टोर करके इसके डो को आप 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं और गर्मा गर्म फ्राई करके खाएँ। ऐसे अगर चाहें फ्राई किया हुआ तो इसे 4-5 दिन के लिए आप एकदम जैसे के तैसे रहेगा। इसे आप फ्राई करके आप स्टोर करके भी 5-6 दिन के लिए रख सकते हैं, डो 15 दिन के लिए रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसे बनाएंगे तब आपको यकीन होगा कि कितना ये हेल्दी है और उतना ही टेस्टी। तो देर किस बात की, इसे बनाएं फटाफट और इंजॉय करें। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में इसे इतने खास्ता और स्वादिष्ट लगते हैं कि आपका पेट भरेगा, मन बिल्कुल नहीं भरेगा। तो यहाँ पर लीजिए, तैयार है आपका गर्मा गर्म कचौड़ी। और डिफरेंट 2 तरीकों में आप जिस तरीका पसंद करते हैं उस तरह से बनाएं। ऐसे इसमें कहीं भी आपको सब्जी की ज़रूरत। इसे और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिर्ची और टमाटर की चटनी बनाई है। इससे हल्का सा रोस्ट करके पका के लहसुन हरी मिर्च और टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और इस कचौड़ी का टेस्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई चटनी की रेसिपी है, ज़रूर आप इससे बनाएं। और इसके साथ ही इसका स्वाद कहीं ज़्यादा आपको पसंद आएगा। इसमें कहीं सब्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सब्जियां तो हमने इसमें पहले से ही ऐड कर रखी हैं। आप जितनी सब्जी इसमें डाल सकते हैं डालें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है क्योंकि सारी हरी सब्जियाँ हमने पहले इस आटे में ही हमने ऐड कर दिया, जिससे कि और ज़्यादा ही पौष्टिक और हेल्दी से भरपूर है। और बाजरे में सभी को पता है कि बाजरे का आटा हम सभी के स्वास्थ्य के लिए कितना बेनिफिशियल है। इसमें आयरन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा पूरे भरपूर होती है, फाइबर इसमें भरपूर होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ठंड के मौसम इसे ज़रूर बनाएं, मस्ट ट्राई रेसिपी है, गुजरात की खास स्पेशली रेसिपी है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे चटनी के साथ, रायता के साथ, दही के साथ, जिसके साथ इसे खाना चाहें, खट्टी मीठी चटनी, अचार, सबके साथ ही कमाल के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे स्टोर करके भी रखें, जब घर पर मेहमान आए तो उन्हें बना कर दें। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतने टेस्टी आप घर पर बनाई है, ज़रूर पूछेंगे आप इसे कहाँ से मंगाया है, इतने स्वादिष्ट इतने टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ, देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना खास्ता बना है। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।